हेलो एवरीवन, दिस इज महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि विधेय के प्रकार के बारे में। दिस इज आवर थर्ड वीडियो लेक्चर सीरीज। तो पिछले दो वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं या सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो मैंने कहा था कोई भी सेंटेंस अगर छोटी सी भी छोटा होगा तो एटलीस्ट उसमें दो चीज़ें होंगी। पहला उसमें सब्जेक्ट होगा और दूसरा उसमें प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है, जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और सेकेंड हमने बताया था प्रेडिकेट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है या सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाता है उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में यानी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी विधेय के बारे में अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं प्रेडिकेट के बारे में। तो मैंने कहा था प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए या सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बच जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो प्रेडिकेट होते हैं वह उसमें वह तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी कि प्रेडिकेट में तीन पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच इज टेल समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट और थिंग। तो वर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में कुछ बताता है उसे वर्ब कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, जो क्रिया की जाती है, उसे वर्ब कहा जाता है। अब ये वर्ब है जो है यानी कि जो क्रिया है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है सब्जेक्ट के बारे में, आइए समझते हैं। तो जो वर्ब होता है हमें एटलीस्ट तीन इंफॉर्मेशन देता है। पहला, व्हाट अ पर्सन और थिंग्स डज, कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है वह क्या करता है। जैसे कि राम राइट अ लेटर, राम का यहाँ पे राम राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है राम के बारे में, कि राम क्या कर रहा है, लिखता है। सेकेंड है, सी रीड अ बुक, वो एक पुस्तक पढ़ती है। इन दिस सेंटेंस हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसके बारे में कि क्या हो रही है, कि रीड कर रही है यानी कि पुस्तक पढ़ने का यानी पढ़ने का काम कर रही है। सेकेंड हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, कि किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ क्या होता है, इनके बारे में हमें जो वर्ब है इंफॉर्मेशन देता है। जैसे राम वॉज किल्ड, राम जो है वह मारा गया। तो यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी मिल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो मारा गया। द टेबल इज सोल्ड, जो यानी कि जो मेज है वह बेच दिया गया या बेच दी गई। तो इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है मेज के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ है। और जो थर्ड है वो ये क्या है, व्हाट अ पर्सन आर थिंक इज, कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है, उनके बारे में हमें वर्ब इंफॉर्मेशन देता है। जैसे द बॉयज आर इनोसेंट, कि जो बालक हैं वो क्या हैं, वो निर्दोष हैं, वो मासूम हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो एक्चुअली क्या है। द बॉटल इज ब्रोकन, कि जो बॉटल है वो टूटा हुआ है, यानी बॉटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यानी वर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट या किसी चीज के बारे में तीन इंफॉर्मेशन देता है। पहला, व्हाट अ पर्सन आर थिंग डज। सेकेंड, व्हाट इज डन टू अ पर्सन आर
थिंग, और थर्ड है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। तो ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो आइए समझते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब मैंने कहा जो वर्ब होते हैं वह दो चीज होते हैं, यानी दो प्रकार के वर्ब होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहा जाता है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम करते हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब किसे कहते हैं? ऐसे वर्ब जो केवल और केवल मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, वे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहला डिस्कस करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर सकते, उन्हें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, should। In the upcoming video we will discuss about the use of can, could, may, might, shall, should, etc। Second है principal auxiliary verb, ऐसे verb जो helping verb की तरह और main verb की तरह दोनों तरह काम करते हो, उन्हें principal auxiliary verb कहते हैं। और इसके तीन form हैं। पहला है ये be के form, दूसरा है do के form, और तीसरा है have के form। जो be के form है इसमें आते हैं is, am, are, was, were। तो आने वाले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर के बारे में। दूसरा है डू के फॉर्म, इसमें तीन होते हैं डू, डज और डिड, इसको भी आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड है हैव के फॉर्म, हैज, हैव एंड हैड। थर्ड हमारा है मार्जिनल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, यूज्ड टू, नीड एंड डेयर। जो यूज्ड टू होता है ये मॉडल और एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यूज्ड टू मॉडल एंड एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, जबकि नीड टू और डेयर टू मॉडल और मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। थर्ड है मेन वर्ब, जो सेकेंड हमारा है मेन वर्ब, ऐसे वर्ब जो केवल और केवल मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मॉडल की तरह काम नहीं कर सकते, उन्हें मेन वर्ब कहते हैं। ये V1, V2, V3, V4, V5, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और S या ES फॉर्म में होते हैं। इसे दो मेजर कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है रेगुलर वर्ब और दूसरा है इरेगुलर वर्ब। पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। ऐसे वर्ब जिसके हम V1, V2 एंड V3 यानी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उसके फर्स्ट फॉर्म में ED जोड़ करके उसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को बना लेते हैं। वन मिनट, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए वर्ब में ED जोड़ करके बनाया जाता है, उसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जबकि इरेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें कुछ विशेष रूल के द्वारा परिवर्तन करते हैं, कुछ विशेष नियम के द्वारा उसमें चेंजेस करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में जहाँ पर मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा वर्ब के बारे में, तो इन सभी के बारे में डिटेल से फर्दर मैं डिस्कस करूँगा। तो सेकेंड हमारा जो होता है प्रेडिकेट के पार्ट्स में, वह होता है हमारा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, जो काम करने का उद्देश्य होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट होता है दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो नॉन लिविंग होते हैं, और जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें लिविंग होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं।
इसी के बेस पर हम वर्ब को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी बेस और ऑब्जेक्ट के आधार पर हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो वर्ब होते हैं उनको ऑब्जेक्ट के आधार पर दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, ऐसे वर्ब जिसका अपना कर्म होता है, जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, जिसका अपना उद्देश्य होता है, ऐसी क्रियाओं को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में, राम रीड अ बुक। तो राम का किताब पढ़ने का, राम पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, इसका उद्देश्य है क्या, पढ़ने का उद्देश्य है बुक, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड है सीता कुक्स फूड। सीता कुछ बना रही है, लेकिन क्या बना रही है, उद्देश्य उसका है, वह है हमारा फूड, यानी कि ये है ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसे वर्ब जिसका अपना कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया या इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं राम प्लेज, राम खेलता है, यहाँ पर केवल खेलना है, लेकिन क्या खेलना है हमें इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। सेकेंड है द बॉय रन्स, जो बालक हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, वे दौड़ते हैं, लेकिन किस लिए दौड़ते हैं इसे, यानी इसका भी हमें उद्देश्य नहीं मिलता है, यानी केवल और केवल हमें क्या है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कर रहा है बस इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या करने का उद्देश्य है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। इस प्रकार के जो वर्ब होते हैं उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के आधार पर भी हम फर्दर वर्ब को क्लासीफाई करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब असकर्मक क्रिया, ऐसे वर्ब जिसका कर्म होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसे उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया को जिसका कोई कर्म नहीं होता है। फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब को फर्दर क्लासिफाई किया सकता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे माई ब्रदर वॉज अ प्लेयर, अगर यहाँ पर वाज जो है ये यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। जैसे कि माई ब्रदर वाज अ प्लेयर, मेरा भाई एक क्या था, खिलाड़ी था। अगर मैं यहाँ पे वाज को हटा दूँ तो माई ब्रदर अ प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी, क्या खिलाड़ी, क्या था, है, नहीं है, यानी कि ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को लिंक कर रहा है और आपस में इसको इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। सेकेंड है द बॉय बिकेम हैप्पी, बच्चे क्या हो गए, लड़के क्या हो गए, बॉय लड़का क्या हो गया, खुश हो गया। तो यहाँ पे जब जो बिकेम है ये किस तरह काम कर रहा है, लिंक का काम कर रहा है, बॉय को और हैप्पी को आपस में लिंक कर रहा है। अगर मैं कह दूँ तब बॉय और केवल कह दूँ हैप्पी, तो लड़का खुश, लेकिन क्या खुश हुआ, नहीं हुआ, तो बिकेम क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करने का काम करते हैं, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। थर्ड है हमारा फैक्टेटिव वर्ब, यानी कि ऐसे वर्ब जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीमेंट होता है, यानी कि ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट भी आते हो और कंप्लीमेंट भी आते हो, ऐसे वर्ब को हम फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आप सेंटेंस को देखिएगा, आई कॉल हिम अ थीफ, मैंने उसे आई कॉल हिम अ थीफ, मैंने उसे क्या करा, चोर कहा, मैंने चोर कहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई कॉल क्या है, वर्ब है, लेकिन क्या हम उसे पुकार रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या है, इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, वह है थीफ। तो ये सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर वर्ब भी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कंप्लीमेंट है। तो ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट भी हो उसे फैक्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सेकेंड सेंटेंस को आप देखिएगा, वी मेड हरी कैप्टन, हमने हरी को क्या बनाया,
कैप्टन बनाया। तो इस सेंटेंस भी देखिए, वर्ब के साथ साथ हमारे वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट भी आ रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों हो, उन्हें फैक्टेटिव वर्ब कहा जाता है। आने वाले वीडियो में इस पर हम लोग डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। थर्ड है नेसफिल या एग्रीमेंट। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट को दिखाते हैं, यानी उसको बताते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब, जहाँ तक हम जानते हैं कि जो वर्ब होता है अपने जन्म से प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, लेकिन जो वर्ब जो लेकिन जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते उसको, लेकिन जो वर्ब होते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब को हम मेंटेन करने के लिए उनमें एग्रीमेंट करते हैं। तो वर्ब को हम लोग कभी फर्स्ट हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, कभी हम प्लूरल कभी उसे सिंगुलर बनाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसी को एग्रीमेंट या नेसफिल कहते हैं। जैसे राम प्लेज, तो राम क्या है हमारा, सिंगुलर है, लेकिन प्ले है। अगर मैं यहाँ पे प्ले लिख दूँ तो प्ले क्या होता है, बहुवचन, क्योंकि जो वर्ब होता है वह प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर राम सिंगुलर है और वर्ब जो है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो ये सेंटेंस गलत होगा, इसलिए हम सेंटेंस को सही करने के लिए यानी कि सब्जेक्ट जो होंगे हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन जो वर्ब है उसको हम सिंगुलर बना करके हम एग्रीमेंट कर लेंगे और दोनों सेंटेंस को सही किया जाएगा। कहने बॉयज रन, तो यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल है, और रन भी क्या है, प्लूरल है। यानी इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या है, दोनों में एग्रीमेंट है। तब सेकेंड यानी कि हमने देखा कि वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट के आधार पर, वर्ब में हमने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप यानी कि कनेक्शन यानी कि लिंकिंग वर्ब, फैक्टेटिव वर्ब वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, और एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रिलेशनशिप क्या किस तरह उनमें एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो ऑब्जेक्ट मैंने कहा था कि जो प्रेडिकेट्स होते हैं उनमें और वर्ब होता है, हमने वर्ब के बारे में जान लिया है। सेकंड जानते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी सब्जेक्ट का जो काम करने का उद्देश्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग का यूज किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें लिविंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हम देखते हैं, ही गिव अ पेन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब है और वर्ब के साथ साथ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, उसने क्या दिया, एक पेन दिया, लेकिन यहाँ पे पेन क्या है, नॉन लिविंग है, इसलिए क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा है ही गेव हिम अ पेन, उसने उसे एक पेन दिया, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब है, और वर्ब क्या कर रहा है यानी कि क्या क्या दे रहा है, देने का काम कर रहा, उसे दे रहा है और कुछ देने का भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे हैं, पहला हिम है, हिम भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पेन क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी वह दे रहा है और दे किसी दे रहा है, उसे दे रहा, उसको देने का उद्देश्य भी है और क्या दे रहा है वो भी देने का उद्देश्य है, यानी कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हिम यहाँ पर कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि पेन यहाँ पर क्या है, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम पहले नॉन लिविंग का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट में हम लिविंग का यूज करते हैं, लेकिन किसी भी सेंटेंस में अगर दोनों दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमेशा सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी लिविंग का यूज करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग का उपयोग करते हैं। इसका बहुत ही बेसिक स्ट्रिक याद कर लीजिएगा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए और उस एक्सीडेंट में कुछ लोग डेड हो जाए और कुछ लोगों के भी सांसें चल रही हो, तो सबसे पहले जिसकी सांसें चलती है उन्हें हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से किसी सेंटेंस में अगर दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आते हैं तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज पहले करेंगे और फिर बाद में हम नॉन लिविंग का प्रयोग करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वह हमारे जीरण के रूप में हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनेटिव के रूप में हो सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने डिस्कस किया था कि जो जीरंड होते हैं ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं और जो इन्फिनेटिव होते हैं वह सब्जेक्ट की तरह भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जीरंड है, जीरंड किसे कहते हैं, यदि वर्ब के वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो वह जीरंड बन जाता है। जैसे इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे, जैसे ही लाइक्स ईटिंग फिश, तो ये ईट क्या है, वर्ब है, और वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया है, आईएनजी, तो ये बन गया हमारा जीरंड। लेकिन यहाँ पर जो क्या है, ये किस तरह काम कर रहा है, जीरंड की तरह काम कर रहा है। ही लाइक्स ईटिंग फिश, वह मछली खाना पसंद करता है। नेक्स्ट है आई डोंट लाइक प्लेइंग चेस, कि मुझे चेस खेलना, मैं पेस्टियन खेलना पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लेइंग चेस, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ करके ये हमारा है जिरंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ठीक है। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब, ठीक है, यदि वर्ब से पहले टू जोड़ दिया जाए तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में। अगर आपने वह वीडियो लेक्चर सीरीज नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो लेक्चर सीरीज को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाकर के आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन्फिनिटिव, यानी कि जो टू वर्ब से पहले अगर टू जोड़ दिया जाए तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिएगा, वी वांट टू वॉक, हम चलना, वी वांट हम चाहते हैं, टू वॉक टहलना, तो यहाँ पे वर्ब, ये वर्ब है और वर्ब का उद्देश्य क्या है, टहलना, तो ये क्या है, लेकिन वर्ब से पहले टू जोड़ करके ये बन गया क्या हमारा, इन्फिनिटिव, ये हमारा बन गया क्या, इन्फिनिटिव बन गया। तो इस तरह यहाँ पे, यानी कि ये हमारा है इन्फिनिटिव है। जैसे है दे डिसाइडेड टू लीव, उन्होंने जाने का निर्णय लिया, दे डिसाइडेड टू लीव, ओके वन मिनट, ओके दे डिसाइडेड टू लू लीव, उन्होंने जाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब का उद्देश्य क्या है, जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब से पहले हमने क्या है, टू जोड़ करके इसको क्या बना दिया है, इन्फिनिटिव बना दिया है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, जीरण जो है वह भी ऑब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनिटिव जो है वह भी ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। और थर्ड जो हमारा है, यानी कि जो प्रेडिकेट का जो थर्ड पार्ट है वह है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आते हैं या तो फिर कॉम्प्लीमेंट होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और ये कॉम्प्लीमेंट फाइव टाइप्स के होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट और पास्ट पार्टिसिपल। तो पहला बात करते हैं नाउन कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जिसमें जो क्या है, नाउन की तरह काम करेगा। जैसे ही इज अ बॉय, तो यहाँ पर क्या है, बॉय क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं लिख दूँ ही इज, वह है, लेकिन सब अर्थ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने कहा अब बॉय, तो इस अर्थ को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका लड़का होना उद्देश्य नहीं है, वह लड़का है, यानी कि वह क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जैसे यू आर हैप्पी, जैसे हैप्पी यहाँ पर है, अर्थ को पूरा कर रहा है, वह तुम खुश हो, तो ये खुश होने का उद्देश्य नहीं है, ये खुश है, तो यहाँ पर क्या है, अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। थर्ड है एडवर्ब, जैसे सी इज देयर, यहाँ पर वहाँ रहने का उद्देश्य नहीं है, वो वहाँ है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, और ये क्या काम कर रहा है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब, और ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन। थर्ड है नाउन फ्रेज,
ठीक है, फ्रेज किसे कहते हैं जो एक बड़ा सेंटेंस जो किसी एक अर्थ को मीनिंग को प्रयोग करे, नाउन की तरह काम करे, उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। जैसे ही मेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम, उसने उसे ठीक है टीम का क्या बनाया, कैप्टन। तो देख रहे हैं कैप्टन ऑफ द टीम एक बड़ा सा नाउन एक फ्रेज है, लेकिन ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है इसलिए इसे नाउन फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या ही मेड हिम, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारे पास एक आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि ही मेड हिम, उसे उसने बनाया, क्या बनाया, अर्थ को पूरा करने के लिए हमने यूज किया है द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी कि यह है नाउन फ्रेज। थर्ड है मेरा है पास्ट पार्टिसिपल, कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये कई प्रकार के आते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखिएगा ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, उसने अपने आप को थका हुआ पाया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये हिमसेल्फ है, हिमसेल्फ टायर्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब को ही फेल्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, क्या पाया, उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में जो प्रेडिकेट्स होता है उसमें, यानी कि यानी एक सब्जेक्ट के साथ साथ सिंगल प्रेडिकेट हो सकते हैं, प्रेडिकेट यानी वर्ब हो सकता है। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिएगा, इस सेंटेंस में आप देखेंगे राम प्ले, तो राम के यानी सब्जेक्ट के साथ साथ सिंगल प्रेडिकेट है, यानी कि वर्ब है, वर्ब हो सकता है, जैसे राम और प्ले, तो राम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट और प्ले क्या है हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन प्रेडिकेट में क्या यहाँ पर है, केवल सिंगल हमारे पास वर्ब है। सेकंड है, मैंने कहा था कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं राम जो है वह सब्जेक्ट है और प्ले जो है वह है हमारा वर्ब, और वर्ब के साथ साथ हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, यानी राम के बाद जो बच गया है इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं प्रेडिकेट। यानी आप देख रहे हैं कि किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के बाद एक वर्ड भी हो सकता है यानी वर्ब के फॉर्म में, तो उसे प्रेडिकेट कहेंगे, एक से ज़्यादा हो सकता है यानी कि वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस को देख रहे हैं, और वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट भी हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिएगा, जैसे द टीचर मेड मी द मॉनिटर, टीचर ने मुझे क्या बनाया, मॉनिटर बनाया, तो यहाँ पे द टीचर क्या है सब्जेक्ट है और मेड मी द मॉनिटर क्या है ये प्रेडिकेट है। लेकिन प्रेडिकेट के तीन पार्ट हैं, पहला है ये वर्ब और दूसरा है ऑब्जेक्ट और तीसरा हमारा है क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से जो प्रेडिकेट्स होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वर्ब में हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन पार्ट ऑफ प्रेडिकेट के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।